मतलब के वो तारण मैनू कहंदे आ तकलीफ ही हुंदी क्योंकि जट्टां दे पुत्तर इहो जे नहीं हुंदे। जट्टां दे पुत्तर जिहड़े हुंदे ने ओह सीना ठोक के लोकां दा मुकाबला करदे ने, ओह हाइनाज दी तरह 10-20-15 मछटंडे नाल इकट्ठे करके लोगों के सह हूने नाल लाई फिरते हैं जट्टा का नाँ तो की करिए, मनना पैना है सानू कोई ना कोई दीत तो सानू करनी पैनी। उन्होंने कहा कि जी सिविल कोर्ट के डाक्सा बांध गए तो असी अंडिया के नाल और असी स्याही के नाल इन्हों जड़ा है वो इन्हों का इस्तकबाल करा। आज मैंने यहाँ आना था, मुदई के तौर पर आना था, मुझे जियो टी वी, दुनिया टी वी और एक्सप्रेस टी वी के 3 सीनियर साफी दोस्तों ने फ़ोन करके बताया कि आप पे हमला होने वाला है, आप यहाँ पर मत तशरीफ लाएं। माफ कीजिएगा, मैंने अपने वकला से बातचीत की, जारी बात है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में दरखास्त दे के माफी ली जा सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ एक गल वाजे करना चाहना है, मैं गिल्लां दा पोत है, नागरा का रहने वाला जट है, इस्माइल गैल का पोतरा है। अंबरसर तो उठे सी, 7 पिंड सन साढ़े, उथे डजकोट फैसलाबाद जाके 7-7 पिंड बैठे ने। यह जिड्डी तुहाडी पूरी सल्तनत है ना, मेरे 7 पिंड आ गए तो रुड़ जानी है। मेरा 32,000 वोट अपना है, मेरे पिंडा का, मेरे कुरमे का, मेरे जट्टा का, गिल्ला का, मैं चीमिया का, मैं चीमिया का, चट्ठिया का, वड़ैचा का, बाजुआ का, मेरे इलाके के राइया का, गुजरां की गल नहीं कर रहा, यह मैं सिर्फ गिल्ला का अपने टब्बर की गल कर रहा। इसलिए तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतों की कोई शह भी मेरे ते सुट्टो। जट का पुत है, तुहाड़ी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाड़ियां नस्लां याद रखे। और सफदर की बुढ़ी मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, वह जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रख्या होया है, उहदी रन मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रैस कॉन्फ्रेंस करांगा और तुहाडे घरों ही पानी भर के अपना मुंह धोवांगा जे तुसीं आई सुट्टोगे। मैं इमरान खान का जानसार हूं, मैं पेशे दे एतबार नाल एक प्रोफेसर है ते कौम दे एतबार नाल गिल है, ना अपनी जगह तो एक इंच पिछे होवांगा, बल्कि जो तुसीं करोगे उहदे नाल मैं होर अगे आवांगा। अज तुसी ये स्याही सुट्टी है या आंडे सुट्टे ने या तुसी अपने जो भी इत्थे डंडे देने ने, तुसी इत्थे गोली मारनी है मॉडल टाउन तरह, मैं पूरी हिक दे जोर दे नाल तुहाडे अगे खड़ा है। हुण मेरा जोर होर भी तेज हो जाएगा, तुसी मैनू वक्त प्रोवाइड कर दिता है, तुसी मैनू वजह प्रोवाइड कर दिती है कि जदों तक तुहाडी इस बदमाशिया का इत्थों असी चक्का गोल नहीं करांगे, तुहानू इत्थों नहीं पजावांगे, शरीफ आदमी ते अदालतां जाण जोगा नहीं रह गया। मेरा कसूर अज का यह कि मैं मौजूद अदालत ने सद्या, मैं तुहाडे तरह मेरी कमर च दर्द नहीं हुई, ऐसिया भैड़िया कमर ने तुहाडिया कि जिस वेले अदालत सदियां ने तुहाडी कमर च दर्द हुंदी है। मैं अज इस वक्त के वजीरे आजम का स्पोक्सपर्सन है, मैं अज इस वक्त के वजीरे आजम का स्पैशल असिस्टेंट है, मेरी तो कमर च दर्द नहीं हुई। मैनू पता सी तुसी इत्थे गुंडागर्दी करनी है, उसके बावजूद मैं इत्थे पहुंचिया, मैनू ना अपनी पुलिस से गिला है, अंदर भी कुछ मेरे दोस्त वकील कह रहे सन कि पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, कोई गिला नहीं मैनू अपने पुलिस वालों के उत्ते। मेरे भरा ने जो कर सके ठीक है, जो नहीं कर सके फिर भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो हमला औरतों नहीं छड़िया, उन्होंने मुँह च गोलियां मारिया ने, तो मैं की चीज़ है। इस वास्ते एक गल मुस्लिम लीग नून अज तो बाद याद रखे, इन्होंने एक काम किया है, लेकिन असी खानदानी लोग हैं, वो जड़ा उत्थे एक दसदा सी मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, एक थप्पड़ मारोगे तो 10 मारूंगा, असी ये काम नहीं करांगे, असी एक थप्पड़ दे 10 थप्पड़ नहीं मारांगे, असी इमरान खान दे फॉलोअर हैं। ओ मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, एक गाली दोगे 10 गालियां दूंगा, ये चवल लोगों का काम हुंदा, असी एक गाली के जवाब च 10 गाला नहीं देंगे, असी तुहाडे लोगों की तरबियत करांगे, तुहाडे वर्कर की भी, अगर सानू गाली कढ़ेगा उन्हें समझावांगे बेटा सियासत करी दी, गाली गलोच नहीं करी दी, अगर साढ़े तशद्दुद करेगा फिर भी उन्हें वापस समझावांगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करांगे, अदालतों का एहतराम करांगे। असी पहले भी अदालतों का एहतराम कर रहे सां, अज भी करांगे, आने वाले वक्त भी, मैनू बेशक सुपीरियर जुडिशरी बुलाए, मैनू बेशक सुप्रीम कोर्ट, मुअज्ज़ज़ हाई कोर्ट,
या कोई सिविल जज बुलाए या कोई मजिस्ट्रेट बुलाए, अल्लाह के हुक्म नाल ना कमर च दर्द होएगी, ना मैं कोई बहाने बढ़ावांगे ते ना मैनू बख्तरबंद गड्डी दे विच दर्द होएगी तकलीफ होएगी। एक बात मैं और बता दूं, सेनेट का इलेक्शन आपके सामने हुआ, 7 वोट रिजेक्ट करवाए गए, हमारी 20 की बर्तरी थी जब गिलानी साहब का और हफीज शेख का इलेक्शन हुआ, 20 वोटों की बर्तरी थी। यही लोग कह रहे थे जमीर का वोट आया है, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला ही हमें बताते थे। माफ कीजिएगा, ये जो गिलानी साहब के खिलाफ 8 वोट रिजेक्ट हुए हैं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चलिया है, ये वाकई मुस्लिम लीग नून का टिकट चलिया है। हुण आपस च लड़ रहे ने, मेरे को व्हाट्सएप कॉल है, चंद दिनों रिलीज करांगा, हुण ये आपस च लड़ रहे ने, जिस कॉल के मुताबिक कह रहे हैं कि नून ने सानू वोट नहीं पाए। ये एक अशराफिया जड़ी बदमाशिया सी लुट मारना से वो इकट्ठे होए हुए ने और अपनी चोरी बचाने लिए इकट्ठे हुए ने, बाकी इन्हां च कोई पोलिटिकल इकट्ठे होने वाली वजह नहीं है। अब आप देखेंगे माफ कीजिएगा, अब आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये एक दूसरे को जूते भी मारेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे भी और गाली गलौज भी करेंगे, क्योंकि कप्तान ने इनका हमेशा के लिए इनकी सियासत उस दिन जब यूसुफ रजा गिलानी को वहां से हरा के वापस मुल्तान पार्सल किया है, इनको हमेशा के लिए उस दिन दफन कर दिया। ते सफदरदी बुढ़ी आस्ते साडा पैगाम है कि आपने अपने वर्कर को इश्तियाल दिया था उस दिन कि हम बदला लेंगे, आपने आज मेरे पे हमला करवाया, 100 दफा करवाएं। मैं अपने वर्कर को यह कहूंगा, कभी भी आपके सामने मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स आए, वो अदालत में आए, वो कहीं आपको पब्लिक में मिले, आपने इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, आपने किसी सूरत गिरी हुई गैर इखलाकी हरकत नहीं करनी। उसकी वजह क्या है? आपका जो लीडर है उसका नाम इमरान खान है और इनका जो लीडर है वो है जो मुल्क को गंदी गालियां देता है। वो नवाज शरीफ से ये काम शुरू हुआ ते आके जड़ियां स्टपनियां ने इन्हां दियां जवे लतीफ वर्गियां जिन्हां नूं घर कोई दूसरी बारी मंगण दे उत्ते साले ना देवे, वेखो चवल भी मुल्क दे खिलाफ बयान दे रहे ने, वो कह रहे ने पाकिस्तान जिंदाबाद दा नारा नहीं लावांगा। ओ मूर्खा, तैनूं किसे ने शेखुपुरे तो नहीं निकल देना घरों बाहर, ते तू पाकिस्तान दे खिलाफ नारे लाण दी गल कर रहे हैं। इसलिए इन्हां चो चंद लोग जिन्हां दियां झूठ बोल बोल के कलमा सफेद हो गईयां ने, वेखो उन्हां चो जवेद लतीफ भी एक चीज है। मैं इनको एक बात सिर्फ वाजे कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान तुहाडे प्यो दा नहीं है, पाकिस्तान साढ़े दादे बाबिया ने हिजरत करके अपनिया मावां भैणां दे गाटे उतरवा के अपनी जमीन, मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही थी जिस वेले पाकिस्तान बनदा ऐलान होया, ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड़ के आ गई सी इत्थे, असी अपने भड़े भरे हुए घर अपने डंगर अपने वेलने चलते हुए छड़ के आ गए सां। पाकिस्तान असी अपने खून नाल बनाया होया है, तुसी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाओ या ना लाओ, साढ़े खून का एक एक कतरा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाएगा इंशाल्लाह, और मुस्लिम लीग नून का वोटर भी पाकिस्तान वास्ते जान कुर्बान करने को तैयार होएगा। ये जड़े चंद घटिया लोग ने माफ कीजिएगा, ये जड़े चंद घटिया लोग ने इन्हां पाकिस्तान मुखालिफ जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां दे नाल पाकिस्तान नूं कोई फर्क नहीं पैण वाला, पानी देना। अच्छा एक सेकंड, इसलिए आखिरी बात कर रहा हूं, सियासत करें, आपको आल दो कि सियासत नहीं आती, आप एस्टेब्लिशमेंट की पनीरी में से निकले थे, आपने इस शहर में आबद बॉक्सर जैसे लोगों के थ्रू गुंडागर्दी की, आपने पुलिस मुकाबले में हजारों लोगों को मरवाया, गुल्लू बट्टों के थ्रू आपने लोगों को डराया, मुझे मशवरा दिया गया यहां से केस ट्रांसफर करा लें पिंडी में, नहीं कराऊंगा, यहीं पे जो केस होगा उसको यहीं पे फेस करूंगा, बार बार आऊंगा, हमें अदालतों पे भी इतमाद है, हमें अपने अवाम पे भी इतमाद है, तो आड़े को जिन्ना जोर लाया जाता है जो होता है
जो पुटिया जाता जे मेरा तुहानू चैलेंज है वो पुट लो। इस्लामाबाद में मुसद्दक मलिक के ऊपर पीटीआई उनका मौके पर पीटीआई के कारकुनों ने हमला किया, यहाँ पर आपका हो गया। आप नहीं समझते कि ये मामला जो पॉलिटिकल है या डायलॉग की सूरत हाल से निकल अब हाथापाई की तरफ जा रहा है, ये मजीद आइंदा दिन में मजीद एडवर्स सिचुएशन स्टार्ट करता है। देखिए दो बातें जेहन में रखें, इस्लामाबाद में सब लोगों को पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बाहर जमा हो रहे हैं, आपको पता था, टॉप ट्रेंड था पाकिस्तान, डी चौक, जो डी चौक को जानता है वो जानता है कि जितनी दूर वो मीनार है उतनी दूर पार्लियामेंट है डी चौक से, और उतनी दूर दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेज है। मुझे बताएं इस 100 फुट के 150 फुट के जगह पे जहां हजारों वर्कर आपके इकट्ठे हुए हैं नून वाले करने क्या गए थे वहां? अगर तो मैं आज नून के किसी जलसे में गया हूं और मेरे साथ ये हुआ तो आपका ये तकाबल करना बनता है। मैं तो अदालत में अपनी पेशी में आया हूं, जो जूता फेंका गया एहसन इकबाल साहब पे मैंने उसी टाइम उसकी मजम्मत की और वो टेलीविजन पे चलती रही, मैं उसकी आज भी मजम्मत करता हूं, और मैं अपने वर्कर को आज भी कहता हूं कि ना किसी पे स्याही फेंकनी है। उस दिन भी कहा हमने अखलाकियात रखनी, ये जो कर सकते करें, इन्होंने ये अपना असल दिखा रहे, हमने अपनी तरबियत दिखानी है, इन्होंने अपनी तरबियत दिखानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तकरीर ही की बात करूंगा, आपकी तकरीर में ही काफी इश्तियाल अंगेजी थी कि आपने पहले तो ये कहा कि मैं जटों का बच्चा हूं और जो कुछ करना है वो कर लें, दूसरी तरफ आप तरबियत का दर्श भी दे रहे हैं कि वो हम देंगे, ये चीज़ें आप ही की उसके अंदर कुछ मुकाबला अगर करें तो बराबर नहीं बनती है। अब या तो मैं बर्दाश्त की जो कुवत है ये बढ़ती जा रही है और आगे सीधा चलेगी तो फिर आने वाले इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, दीगर इस्तेमाल होंगे तो फिर किस तरह सियासतदानों को महफूज तस्वर कर जटों का पुत्र होना को गुनाह है? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਖਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ मेरे रिश्तेदार भी पिछे खड़े ने, कुछ मेरे दोस्त भी खड़े ने, साढ़े लिए मुश्किल नहीं, आज साड़ी हुकूमत है, मैंने ये भी पता है मेरे तो स्याही किन्ने सुटी है, अगर इश्तियाल हो तो पंजा मिनटा तो उस बंदे का पता लग जाए जिन्हें स्याही सुटी हो, लेकिन असी यह काम नहीं करा, वो देखेंगे मेरे वकला उन्होंने की करना, असी हमेशा बर्दाश्त की गल करने, हाँ अपने जोड़ा मतबा नजर है जी सा गल है वह तोड़ बुरे के घर तक पहुँचा के आवेंगे, भावें कोई उन्होंने जुबान च सवाल करे मेरे को, भावें अपनी जुबान च करे उदा जवाब ठोक के देंगे। मरियम नवाज को आपका सवाल हो गया, मरियम नवाज ने आज कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ साहब वो लंदन से बैठ के जो है वो पार्टी को लीड करेंगे, क्या कहते हैं? नवाज शरीफ साहब हम एक चीज लीड कर सकते ने और वो अपनी डेस्टिनी लीड करेंगे, जी अल्ताफ हुसैन सैकंड बन गए ने पाकिस्तान के खिलाफ गल करके, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ गल करके, उन्हों का मुकद्दर हूँ अल्ताफ हुसैन सैकंड बनना और कुछ नहीं है, ना इस तो कुछ घट ना इस तो ज्यादा। मैं आज पब्लिक को यह बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की सियासत बचती है कि नहीं, मरियम की और नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी, वो अब यहाँ सियासत नहीं कर सकेंगे, ये मेरा पैगाम मुस्लिम लीग नून के वर्कर को भी है कि अपने लिए भी कुछ सही चीज़ चूज करें, मैं किसी सियासी बात पे नहीं कह रहा, अपने मुल्क की सलामती के साथ जिसका नैरेटिव है उसके साथ खड़े हो। कानूनी कार्रवाई मरियम को करेंगे उसके अंदर नॉमिनेट आज के इस वाकये पर? असी अगे हुणे तुहानू दस्सिया कि मैं जट्टां दा पुत्तर है, जट जनानियां दे परचे नहीं कराउंदे।